देश के नाम। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। राष्ट्रधर्म सर्वप्रथम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र ही सर्वस्व, ये योगी वाणी है, यही योगी का मिशन है और योगी का राजधर्म है। यूपी में जो कुछ होगा और यूपी में जो हो रहा है वो सब योगी वाणी के इसी राष्ट्र सर्वोपरि के सूत्र पर हो रहा है। नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, हम सबके लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। हम जो भी करें अपने देश को ध्यान में रख करके करें, जो कुछ भी समर्पण है वो देश के लिए। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न कर लें। और आज उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुए हैं। यूपी में योगी देश, धर्म और कर्म को लेकर एक साथ चल रहे हैं। वो तीनों एक सूत्र में साथ रहे हैं। राष्ट्र सशक्त हो इसके लिए समाज का सशक्त होना बहुत जरूरी है। समाज से कुरीतियों का खत्म करना ही योगी का टारगेट है। गोरखपुर में योगी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित हुए। सरकारी खर्च पर गोरखपुर में 1,500 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। योगी ने दहेज मुक्त विवाह के लिए समाज को नई प्रेरणा दी। इस मौके पर योगी ने कहा कि समाज से दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना ही उनका मकसद है। 1500 जोड़े एक साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह जहां एक साथ दहेज मुक्त विवाह और बाल विवाह से मुक्ति का एक अभियान है, वहीं साथ ही साथ इस चीज का एहसास कराने का भी अभियान है कि हम लोग समाज में किसी भी कुरीति को नहीं पनपने देंगे। दरअसल राष्ट्र सर्वोपरि का सूत्र बीजेपी का शासन सूत्र है। नेशन फर्स्ट बीजेपी का एजेंडा है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना बीजेपी शासित हर राज्य में नजर आती है, लेकिन यूपी में योगी है। योगी भगवाधारी है, सेवा ही उनका संकल्प है। मोदी के बाद योगी इकलौते ऐसे नेता है जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। योगी के पास मोदी की तरह ही विकास का विजन और शासन का यूपी मॉडल है। ऐसे में जब भगवाधारी योगी राष्ट्र सर्वोपरि और समाज की बात करते हैं तो बात और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि योगी यूं ही कोई बात नहीं करते। इस बात के कई मायने हैं जिसे समझना जरूरी है। दरअसल देश में 2024 के चुनावों के लिए मूड और माहौल अभी से सेट हो रहा है। इसके लिए बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। वो 2024 की चुनावी पिच तैयार करने के साथ साथ अपने फॉर्मूलों और मुद्दों की टेस्टिंग कर रही है। इसके लिए ग्राउंड पर मुद्दों की पिचिंग करना सबसे जरूरी है। योगी ने नेशन फर्स्ट की थ्योरी लाकर राष्ट्रवाद के मुद्दे को मैदान में उछाला। समाज की बात करके हर आखिरी व्यक्ति तक सरकार का संदेश पहुंचाया। सरकार ने सभी कार्य के लिए अब तक 17,00,000 बेटियों को अपनी योजना से जोड़ा है और योजना के साथ जोड़ते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अभी तक हम इस पूरे व्यवस्था में 15,000 रुपए का एक पैकेज प्रत्येक बेटी को उपलब्ध करवा रहे थे। और भाइयों बहनों, हमारा आगे सरकार ने तय किया है नए सत्र में, नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 रुपए हर बेटी के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। योगी यूपी में रिवाज बदल रहे हैं।
वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। योगी यूपी में समाज और सिस्टम दोनों को दुरुस्त कर रहे हैं। जिन रिवाजों की जरूरत नहीं उन रिवाजों को खत्म कर रहे हैं। जो बातें शासन सूत्र बननी चाहिए उनको यूपी में डंके की चोट पर लागू कर रहे हैं। योगी ने यूपी में उर्दू सिस्टम को खत्म कर दिया। योगी ने यूपी सरकार की रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू फारसी के शब्दों को हटाने का फैसला लिया। इस फैसले की वजह से अब सब रजिस्ट्रार को उर्दू की परीक्षा नहीं देनी होगी। इससे पहले अभी तक लोक सेवा आयोग से चुने जाने के बाद भी सब रजिस्ट्रार का परमानेंट नौकरी के लिए ये परीक्षा पास करनी पड़ती थी, क्योंकि आधिकारिक दस्तावेजों में उर्दू और फारसी के शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन योगी सरकार ने इसे खत्म कर सामान्य हिंदी भाषा के शब्दों को प्रयोग करने का डिसीजन लिया। ऐसा करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन किया जाएगा। यूपी में उर्दू सिस्टम की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए योगी इस उर्दू सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। लेकिन योगी कई ऐसे फैसले भी ले रहे हैं जो आने वाले सालों में यूपी के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। यूपी में अगर कोई भी सरकारी काम तय समय पर पूरा नहीं किया तो ठेकेदार से जुर्माना वसूला जाएगा। अगर टेंडर मिलने के बाद कोई ठेकेदार काम शुरू नहीं करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। यूपी में युवाओं के लिए 45 विभागों की 314 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया। इस फैसले के कारण कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। यूपी में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार और सेवा योजन के लिए परिवार आईडी जारी करेगी। यूपी में हाईवे, स्कूलों और धर्म स्थलों के पास चल रही शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। यूपी में छोटे अपराध के मुकदमे जुर्माना लेकर खत्म किए जाएंगे। मतलब ये कि योगी का फोकस यूपी के हर वर्ग पर है। वो महिला, युवा, बुजुर्ग समेत समाज के आखिरी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। वो समाज की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप गोरखपुर में देखते हो, जब यहाँ गैंगवार होता था तो गैंगवार दो माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुरवासी के सामने खड़ा होता था। ये कहीं भी ज्यादा दबाव तो हर व्यक्ति संदेह की नाव से देखता है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था। कोई अच्छा व्यवसायिक उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था। विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही वे माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे। फिर बैंकवार होता था तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे सिकंजा कसा गया प्रदेश भर में। आज परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी भावना रखता। देश में इस वक्त यूपी सबसे हॉट प्रॉपर्टी है। 2024 के चुनावों की पूरी थीम यूपी से ही तय होगी। बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा यूपी पर है, क्योंकि यूपी में अयोध्या है जहां सनातनियों के 500 साल का सपना अब साकार हो रहा है। अयोध्या में श्रीराम का दिव्य धाम तैयार हो रहा है। 24 जनवरी को पीएम मोदी मंदिर में रामलीला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्रोग्राम की तैयारी ऐसी है जैसे अब तक किसी ने सोची नहीं होगी। इसी प्राण प्रतिष्ठा के साथ 2024 का चुनावी शंखनाद होगा। राम मंदिर बीजेपी के चुनावी एजेंडे में टॉप पर है। सामाजिक एजेंडे और निजी तौर पर भी राम मंदिर बीजेपी की प्रायोरिटी है। 2024 के चुनाव में यूपी की अहमियत मोदी भी जानते हैं। बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती है। योगी को भी ये बात अच्छे से मालूम है। बीजेपी रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है। बीजेपी में दावों और खोखले वादों से काम नहीं चलता, यहाँ बात नतीजों और परिणामों पर होती है। इसलिए योगी को दिल्ली से बुलावा आया। 7 दिसंबर को योगी दिल्ली दौरे पर थे। दिल्ली में योगी की बैक टू बैक 3 बड़ी बैठकें हुई। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, गुलदस्ता और शॉल से पीएम का अभिनंदन किया। योगी और मोदी के बीच लंबी चर्चा हुई। मोदी ने पूरी बात समझाई, मैसेज क्लियर किया। मैसेज को लेकर जेपी नड्डा के साथ चर्चा की, संगठन का सपोर्ट मांगा। रणनीति की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधे पर है, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद योगी बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। एक दिन के दिल्ली दौरे में योगी ने 3 बड़े नेताओं से मुलाकात की। अब इन बैठकों का एजेंडा क्या था वो भी जान लीजिए।
मुलाकातों के पीछे की दो सबसे बड़ी वजह है, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार और दूसरा ये कि 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। बीजेपी का टारगेट यूपी में क्लीन स्वीप का है। अगर एक आध सीट इधर उधर हो भी जाए तो भी बीजेपी यूपी में जीत का नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। मोदी का टारगेट 400 प्लस का है। बीजेपी ने जो 400 सीटों के लिए गुणा भाग किया है, नंबर का गणित तैयार किया है, उसके हिसाब से बीजेपी को यूपी की 80 में से 72 सीट चाहिए। अभी बीजेपी का स्कोर 62 का है, लेकिन 2014 में बीजेपी के खाते में 71 सीट थी। मतलब ये कि बीजेपी इस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकती है। 2014 में बीजेपी ने मोदी की सुनामी पर यूपी में विरोधियों को साफ किया था, और इस बार तो यूपी में मोदी योगी की जोड़ी और राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी के पास है। मोदी योगी की जोड़ी या फिर सनातन पिच, इसकी कोई काट विरोधी खेमे के पास नहीं है। योगी 7 दिसंबर को दिल्ली दौरे पर थे। योगी के लखनऊ पहुंचते ही यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी ने संसद भवन में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इनपुट है कि इन दोनों बैठकों के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और यूपी की चुनावी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है। मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में ओपी राजभर की एंट्री होगी। यूपी में बीजेपी नए चुनाव प्रभारी के नाम का ऐलान भी कर सकती है। 2024 के लिहाज से पॉलिटिकल इवेंट में तेजी आएगी। लोकसभा क्षेत्र में सांसदों और नेताओं की जिम्मेदारी भी फाइनल हुई। सरकारी योजनाओं का यूपी में प्रचार प्रसार होगा। लाभार्थियों को वोट बैंक और बीजेपी से जोड़ने की कोशिश होगी। महिला वोटरों पर बीजेपी अपना फोकस बढ़ाएगी। योगी ने 2024 के इस प्लान को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। योगी ने गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के लाभार्थियों से सीएम ने संवाद किया, सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। बात लाभार्थियों से हुई, लेकिन संदेश पूरे यूपी को गया। इस नए भारत के अंदर हम सब आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा व्यापक जन जागरूकता के लिए जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, मेरी जुबानी मेरी कहानी, यानी मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाने, जिससे वे भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी रख सके, और जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया हो उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी तरह बीजेपी राजभर को शामिल करके सोशल इंजीनियरिंग पर काम करेगी। योगी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो 21 सवर्ण, 20 ओबीसी और 9 दलित मंत्री हैं। योगी ने मंत्रिमंडल में ऊंची जातियों के साथ साथ पिछड़े वर्ग की अति पिछड़ी जातियों को खास स्थान दिया है। मुस्लिम और सिख समुदाय को भी शामिल किया। सवर्ण मंत्रियों में 7 ब्राह्मण, 3 वैश्य और योगी आदित्यनाथ को मिलाकर 8 ठाकुर। इसके अलावा 2 भूमिहार और 1 कायस्थ को जगह मिली है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 20 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें बीजेपी के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी से 1-1 कैबिनेट मंत्री शामिल है। बीजेपी के ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य को अपनी सीट हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय से दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री और सिख समुदाय से आने वाले बलदेव सिंह औलख दूसरी बार राज्य मंत्री बने। पंजाबी और बीजेपी के दिग्गज नेता सुरेश खन्ना को भी कैबिनेट में जगह मिली। अब बीजेपी राजभर की एंट्री के साथ अपना बड़ा पॉलिटिकल मूव दिखाने वाली है। यूपी में राजभर आबादी करीब 4%, लेकिन पूर्वांचल में राजभर वोटर्स की संख्या 18% है। राजभर वोटर्स लोकसभा की 16 सीटों को डोमिनेट करते हैं। ये 16 सीट फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, भदोही और वाराणसी है। यह राजभर वोटर्स किसी भी सियासी पार्टी का गुड़ा गणित बिगाड़ने का मादा रखते हैं। 2024 में योगी और राजभर की जोड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। यूपी में बीजेपी के मूव्स को देखते हुए सियासी सरगर्मी तेज हो गई।
पीडीए वाले अखिलेश यादव ने सिलकियारा टनल से निकलने वाले मजदूरों को सम्मानित किया और इसी सम्मान समारोह के बहाने मोदी सरकार को टारगेट पर लिया। फिर से चुनावों में ईवीएम मुद्दे को लेकर सवाल उठाया। देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है, तो सोचो हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से, और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं, तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? ये अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारे लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी की तैयारी पूरी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अभी भी कंफ्यूज नजर आ रही है। इंडी गठबंधन में सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पा रहा। कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। ऐसे में अखिलेश के सहयोगी अब अखिलेश पर सवाल उठा रहे हैं। एसपी के सहयोगी और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश को 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को फाइनल करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश ये जल्दी डिसाइड करें कि एसपी को इंडी गठबंधन में रहना है या नहीं। कुल मिलाकर देखें तो 2024 की पिच पर बीजेपी बहुत आगे है, और इस हिसाब से देखें तो बीजेपी यूपी में 72 और देश में 400 प्लस का टारगेट आसानी से अचीव कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।